नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के लिए हमारा एक ये नया सेशन है, क्योंकि अब अपने पास बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। केवल आपके पास 4 महीने ही बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। पर्याप्त समय है, अगर आप चाहें तो अपने रिजल्ट को बेहतर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो अपने रिजल्ट को ख़राब भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार की मेहनत करते हैं। कई बच्चे ऑफलाइन में शिकायत करते हैं कि सर, मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते। समझ में आते हैं तो घर पे लगाते समय उनमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। समझ में ही नहीं आता है कि आगे का स्टेप कैसे सॉल्व किया जाए। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए, बच्चों की समस्याओं को देखते हुए हमारा ये एक नया सेशन है। बहुत ही सरल तरीके से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, हर आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। मैथमेटिक्स और साइंस का कोई भी आपका डाउट हो, आपका हर डाउट क्लियर होगा। और एक बात और आप सबको बता दें कि जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। मतलब अगर प्रैक्टिकल के नंबर जोड़ दें तो 100 में से 100 नंबर आप मैथमेटिक्स और साइंस में ला सकते हैं। केवल आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप फिर पेपर में बैठना और पेपर देने के बाद सोचना, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जो हमने ना पढ़ाया, तो इसका आपके पास आंसर होगा कि नहीं सर, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जिसमें आपके सही विकल्प होंगे, खाली स्थान होंगे, जोड़ी होंगी, सत असत और एक शब्द के जो है वो क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन को कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपकी केवल इतनी जिम्मेदारी है कि वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, और अपने दोस्तों को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने का प्रयास करेंगे, और हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले उन चैप्टर या उन अध्यायों को स्टार्ट करते हैं जो अध्याय बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, समझ में ही नहीं आता कि इनको कैसे समझा जाए और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हम अपने समझें, ताकि आने वाले चैप्टर में हमें किसी भी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। तो इस सीरीज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, चैप्टर है, वो है क्लास 10th का त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8। अगर बात करें कि त्रिकोणमिति है क्या, तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि जब त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में जो संबंध बनते हैं, उन संबंध के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। समझे क्या है त्रिकोणमिति का मतलब? है कि किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच बनने वाले संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं? त्रिकोणमिति नाम देते हैं। और यहाँ पे त्रिकोणमिति शब्द को अगर तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए इस त्रिकोणमिति शब्द का, तो देखिएगा क्या अर्थ निकलता है। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति शब्द की, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति बेटा 3 शब्दों से मिलके बना है। त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें एक है त्रि। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। और कोण का मतलब है कोण, कोण का मतलब क्या है? कोण। और मिति का मतलब होता है माप, मिति का मतलब क्या होता है? माप। अर्थात 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये तो हुआ इस शब्द का अर्थ, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है? 3 कोणों के माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति पढ़ते हैं।
ये अपने चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब है। अब त्रिकोणमिति जो है वो किस पे अप्लाई होती है? तो त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा और त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही बनी। जब तक हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं होगा हम त्रिकोणमिति की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में समझ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास एक जो है समकोण त्रिभुज होगा, उसी में हमें त्रिकोणमिति के सब कॉन्सेप्ट जो है समझना है। इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 3 एक्सरसाइज हैं और हर एक्सरसाइज में किसके बारे में पढ़ना है थोड़ा वो देख लो और फिर स्टार्ट करते हैं एक एक एक्सरसाइज के बारे में। अगर हम बेटा बात करें प्रश्नावली 8.1, तो 8.1 में हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात अगर हम बात करें प्रश्नावली 8.2, तो 8.2 में हमें पढ़ना है थीटा की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रश्नावली 8.3 की बात करें तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते भी हैं और आने की संभावना है। इन्हीं क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, लेकिन आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और हर वीडियो को बड़े ध्यान से समझना है। अगर आप पे प्रूफ वाले क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि प्रश्नावली 8.1 की। किसकी बात करते हैं? प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 जिसमें हमें समझना है त्रिकोण मिति अनुपात को। त्रिकोण मिति अनुपात के बारे में हमें समझना है कि त्रिकोण मिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात को अगर परिभाषा के रूप में बताएं तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच के संबंध को त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, या दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है भुजाओं की पहचान करना। तो समझना ध्यान से, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, और इसमें दो न्यून कोण होंगे, एक न्यून कोण सी और एक न्यून कोण ए। जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये अनुपात केवल न्यून कोणों के लिए ही होता है, ये समकोण के लिए कभी नहीं होगा। ये अनुपात जो है वो न्यून कोणों के लिए होगा, कभी भी समकोण के लिए नहीं होगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं तो केवल हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, और उन 6 त्रिकोणमिति अनुपात में से 2 अनुपात जो हैं वो मूल अनुपात कहलाते हैं और बाकी के 4 जो हैं वो व्युत्पन्न अनुपात कहलाते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक जो है वो हमारा मूल अनुपात होता है, मूल अनुपात होता है, और एक जो है वो व्युत्पन्न व्युत्पन्न अनुपात होता है। मूल अनुपात में हमें दो अनुपात देखने को मिलेंगे, एक साइन और दूसरा जो है हमारा कॉस। बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को। व्युत्पन्न अनुपात की बात करें तो इसमें हमें एक मिलेगा टेन और दूसरा मिलेगा कॉट, तीसरा मिलेगा सेक और चौथा मिलेगा कॉसिक। अब यहाँ पे देख सकते हो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ पे हमने अभी केवल साइन लिखा है, लेकिन बुक में देखोगे तो या तो साइन ए मिलेगा या बी मिलेगा या थीटा लिखा होगा, केवल अकेला साइन नहीं लिखा होगा। ऐसा क्या कारण है? केवल हमने यहाँ पे अभी साइन लिखा है,
हम ना तो साइन ए लिखा है, ना बी लिखा है, ना सी लिखा है। यहाँ पे अगर कोई लिखा है तो उसका मतलब क्या है और उसके लिखने का कारण क्या है, सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ इस वाले उसमें, इसमें इस वाले समकोण में। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें तीन भुजाएं होंगी, और तीन भुजाओं में से एक भुजा का नाम होगा कर्ण, एक भुजा का नाम होगा लंब, और एक भुजा का नाम होगा आधार। एक भुजा का नाम होगा आधार। इन तीनों भुजाओं की पहचान करना है कि किस भुजा को कर्ण कहा जाएगा, किस भुजा को लंब कहा जाएगा, किस भुजा को आधार कहा जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण जो है वो हमेशा स्थायी होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये हमेशा स्थिर रहेगी, कभी नहीं बदलने वाली है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या नाम दिया जाता है? कर्ण। और स्थिर है, कभी नहीं बदलेगी। लेकिन लंब जो है वो न्यून कोण के सापेक्ष, अब सापेक्ष किसके? न्यून कोण के, या तो ए के सापेक्ष या सी के सापेक्ष। ए और सी के सापेक्ष जो लंब है वो बदलता रहेगा, चेंज होगा। जैसे अगर हम ए के सापेक्ष बात करेंगे तो ए की सम्मुख भुजा बीसी को लंब कहा जाएगा। अगर हम सी के सापेक्ष बात करेंगे तो सी की सम्मुख भुजा एबी को लंब कहा जाएगा। अब सर कैसे पता चलेगा कि किसके सापेक्ष हम बताने वाले हैं, या क्वेश्चन किसके सापेक्ष कह रहा है? ए के सापेक्ष कह रहा है, या सी के सापेक्ष कह रहा है, या थीटा के सापेक्ष कहाँ है, किसके सापेक्ष कह रहा है? तो वही सापेक्ष दर्शाएगा जे। जैसे यहाँ पे हमने सी लिख दिया, यानी साइन का जो रेशियो है, साइन का जो अनुपात है वो किस न्यून कोण के सापेक्ष है? वो सी न्यून कोण के सापेक्ष है। समझ रहे हैं ना इस बात का? यहाँ पे अगर हमने सी की जगह ए लिख दिया, इसका मतलब है साइन का जो अनुपात है वो किसके सापेक्ष है? ए के सापेक्ष है, यानी इसके सापेक्ष है। तो जब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ए के सापेक्ष साइन का अनुपात निकालेंगे, तो ए की सम्मुख भुजा को हम क्या लेंगे? लंब लेंगे। जब जे लंब होगी, जे कर्ण होगी, तो बची हुई तीसरी भुजा हमारी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तीसरी भुजा का क्या नाम होगा? आधार होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए या कॉसेक ए लिखा है बेटा, तो इसका मतलब है कि अभी ये जो अनुपात है वो किस न्यून कोण के सापेक्ष लेना है? हमें ए के सापेक्ष लेना है। किसके सापेक्ष लेना है? ए के सापेक्ष लेना है। और इनका अनुपात क्या होता है? तो नोट कर लो इस सभी को, साइन का जो अनुपात है वो लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। कॉस का जो अनुपात है वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन का जो अनुपात है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तीन अनुपात हो गए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब जैसे ही हम टेन के अनुपात को पलटाएंगे तो हमें किसका अनुपात मिलेगा? कॉट का। देख सकते हो बेटा, टेन का लंब बटे आधार है, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। सेक की अगर बात करें तो सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। और कॉसिक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। और अगर इनको शॉर्ट में याद करना है, अगर इन सभी अनुपातों को शॉर्ट में याद करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, इस टाइप से। यानी पहला जो अनुपात है वो किसको दर्शा रहा है? साइन को। दूसरा जो अनुपात है वो किसको दर्शा रहा है? कॉस को। तीसरा जो अनुपात है वो किसको दर्शा रहा है? टेन। और अगर हम टेन को पलटाएंगे तो कॉट मिलेगा,
कॉस को पलटाएंगे तो सेक मिलेगा, और साइन को पलटाएंगे तो हमें कॉसेक मिलेगा। एल का मतलब क्या है बेटा? लंब। ए का मतलब क्या है? आधार। और के का मतलब क्या है? कर्ण। तो आप चाहो तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इन सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को याद कर सकते हो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। और किसके सापेक्ष कब लंब लेना है, किसको आधार लेना है, किसको कर्ण लेना है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हमारे पास साइन ए लिखा है तो ए के सापेक्ष हम साइन का अनुपात निकाल रहे हैं, और ए की सम्मुख भुजा को लंब लेंगे और बाकी एक जो भुजा बची है उसको आधार, और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को क्या नाम देंगे? कर्ण नाम देंगे। इतनी चीजें शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आप वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखना। अब समझो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन त्रिकोणमिति अनुपात से कैसे हमें देखने को मिलेगा, और कैसे हम उस क्वेश्चन को एक सरल तरीके से, एक बहुत ही बेहतर मेथड से, आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ताकि सरल भी हो और पूरे में से पूरे हमें नंबर भी मिले। ऐसा भी सरल नहीं लगाना है कि 3 नंबर के क्वेश्चन को सरल के चक्कर में 1.5 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर पे अटके रहें। ऐसा सरल नहीं, ऐसा सरल लगाना है कि नंबर भी पूरे मिले और मेथड भी आसान। तो देखिएगा कि फॉर्मेट क्या होगा। तो इन सभी को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। तो इसको हम रफ करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब हमें समझना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चन हमें किस प्रकार से देखने को मिलेंगे और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उदाहरण के रूप में है, ये कि कोई क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का हमारे पास एक डायग्राम दिया है। ये एक समकोण त्रिभुज है, हमने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। जो बी है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, और इसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें इतना पता है कि जो ए और सी है ये दोनों न्यूनकोण हैं। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेटा ए बी बराबर हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इतनी चीजें देगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें दो भुजाएं ना दी गई। अब कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, क्वेश्चन में दो भुजाएं दी जाएंगी। तीसरी भुजा को हमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। अगर हम बेटा इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को क्या नाम देंगे? कर्ण, जो कि स्थिर है, कभी नहीं बदलती है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण तो हमें निकालना है, तो कर्ण की जगह क्या लिख देंगे? एसी का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा? अब लंब और आधार अभी क्या जरूरी है निर्धारित करना? बिल्कुल नहीं है। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार ले लें, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लंब और आधार को वहां ध्यान रखना है जब हम त्रिकोणमिति अनुपात को निकालें। तो यहाँ पे हम लंब हमने किसको ले लिया? 4, तो 4 का स्क्वायर। आधार 3 को ले लिया बेटा, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और ये एसी स्क्वायर के बराबर है, मतलब एसी बराबर अंडर रूट 25, बाहर निकालेंगे तो एसी बराबर कितना होगा? 5। वैसे तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन भुजा कभी भी जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है,
भुजा जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसे हमें किस में लेना है, प्लस में। अब देख सकते हो बेटा हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, तीनों भुजाएं हैं, हमारे पास ए सी की वैल्यू है, हमारे पास ए बी की वैल्यू है, हमारे पास बी सी की वैल्यू है। अब हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम एक दो अनुपात निकाल के दिखा रहे, बड़े ध्यान से समझना। मान लो कि हमें निकालना है साइन ए, किसका अनुपात निकालना है, साइन ए का अनुपात निकालना है। तो बेटा हमने साइन का अनुपात क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि साइन जो है वो लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब यहाँ पे जो लंब है वो किसके सापेक्ष लिया जाएगा, ए न्यून कोण के सापेक्ष लिया जाएगा, यानी ए के सम्मुख भुजा को हम क्या नाम देंगे, लंब। और देख सकते हो ए के सम्मुख भुजा कौन सी है हमारी, बीसी है, तो बीसी लंब होगी, और बीसी का मान कितना है, चार है, तो बेटा लंब की जगह कितना रखेंगे, चार रखेंगे, और कर्ण हमेशा फिक्स होती है, कितना हो जाएगा, पांच। ऐसे ही मान लो अब हमें निकालना है कॉस सी, किसको निकालना है, कॉस सी या साइन सी को ही ले लो, किसको निकालना है, साइन सी। तो साइन का अनुपात तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे जो लंब है वो किसके सापेक्ष लिखना है, सी के सापेक्ष। यहाँ पे जो लंब है वो किसके सापेक्ष लिखना है, सी, और सी की सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, मतलब सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, तो लंब कितना होगा, तीन, लंब कितना होगा, तीन, और कर्ण बेटा फिक्स है, कितनी, पांच। इस प्रकार से हम किसी भी अनुपात को निकाल सकते हैं। आप सभी को केवल वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करना है जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं और आगे बेहतर तरीके से बढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सभी को बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट और इतना बेहतर तरीके से मैथ और साइंस का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको देखने के लिए, कि आपको यूट्यूब पर इस टाइप का कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आने वाले समय में आपको और भी कुछ सिखाने की कोशिश की जाएगी और डेली आपको पूरा सलूशन मिलेगा, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।